जा रहा है जो बीजेपी में जाता है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साफ सुथरा चंगा हो जाता है। भैया क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ मेरा रिक्शा पे इतना माल है, प्राइम मिनिस्टर साहब इतना माल खींच के देखे, जब बच्चे पलते कैसे, जिनको बाल बच्चा होता है ना वही कदर जानता है मेहनत क्या होती है। कल को अगर वो सरकार बदल जाती है तो क्या वो उनके नेता जेल में नहीं जाएंगे? मुझे इस बात का सबूत चाहिए। सबको पैसा चाहिए, पैसा प्यारा लगता है। बीजेपी के इतने नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। बीजेपी नेता के घर पे बिल्डोजर चला हुआ देखा आपने? महाराष्ट्र में देख लो या बाकी जगहों पे देख लो, थोड़ा सा ईडी और उसका इस्तेमाल हो रहा है। देश के स्तर पे आके जो है ना कहानी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम देखने के बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बात हो रही है। भैया कहा जा रहा है जो बीजेपी में जाता है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साफ सुथरा चंगा हो जाता है। लोगों से जानूंगी, यहाँ पर ऑटो स्टैंड पर मौजूद हूँ, क्योंकि ऐसी चीजों की बातें इस ऑटो स्टैंड पे बहुत ज्यादा होती है, राजनीतिक बातें। सरदार जी के पास सबसे पहले मैं जाऊंगी। सरदार जी क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। जसपाल जी है तो क्या कहेंगे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके सब साफ सुथरे हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं? बीजेपी मशीन से मुझे अभी ये समझ नहीं लगी। हाँ। ये मशीन कैसी है कैसी नहीं, जो मेरा दिमाग कहता है मशीन पहले दिखाओ क्या चक्कर, क्या क्या विचार से मेरे विचार से ये बाहर है मेरे। हाँ। दिखाओ पहले मशीन, देखना है कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें साफ सुथरे हो जाते हैं। हाँ फिर देखूंगा तो बात समझ आएगी ना, फिर बात करूंगा। क्या लगता है बीजेपी पार्टी 2024 के अंदर ऐसे दलों को तोड़ तोड़ कर अपने में मिला के 2024 में जीत पाएगी? जीत लेगी। हाँ। इतना अच्छा काम लग रहा है? नहीं काम नहीं किया, ये चक्कर काम नहीं है, काम बाहर है, दिल्ली के अंदर काम नहीं है। अच्छे दिन नहीं आए आपके? नहीं आए। क्या भैया क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ मेरा रिक्शा पे इतना माल है, प्राइम मिनिस्टर साहब इतना माल खींच के देखे, जब बच्चे पलते कैसे, जिनको बाल बच्चा होता है ना वही कदर जानता है मेहनत क्या होती है। जिनको बाल बच्चा नहीं वो क्या कदर जानेंगे, कैसे कमाना कैसे बच्चे पालना है। तो देश के पीएम से खुश नहीं है क्या? पीएम का है कि खुश रहेंगे बताइए, एक बार बताओ। उनके पीछे दूसरा नेता रोटी नहीं सेकते हैं कि पीएम के ऊपर ही कंधे पर रख के रोटी सेकेंगे सब? अच्छा ये बताइए, जैसे अमृतकाल बोलते हैं पीएम मोदी जी, वाकई अमृतकाल चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा जी, सब कहने वाली बात है। सबको पैसा चाहिए, पैसा प्यारा लगता है, जाप हो चाहे कोई भी हो, पैसा सबको प्यारा लगता है जी। हाँ। सच्चाई बात मीडिया कोई नहीं बताएगा टीवी को। राहुल गांधी अगर कहीं जाएंगे तो बस, अरे वो भी तो विपक्ष में अभी गए थे, कहाँ पे ये जहाँ पे अभी दंगे हो रहे, अरे विपक्ष का भी तो काम है भाई, जाएगा देखेगा। कल को तुम ही आरोप लगाओगे क्यों नहीं गया, हम गए तुम क्यों नहीं गए। मणिपुर के अंदर मोदी जी को जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है देश का, क्यों नहीं जाना चाहिए? आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे अभी इधर देखिएगा जरा, बीजेपी सरकार के अंदर दलों को तोड़ तोड़ कर कह रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को मजबूत तो कर रहे हैं, तो दल बदल को कैसे? मैं ये कह रहा हूँ आपको। हाँ। मान लेते हम प्रधानमंत्री नहीं है चोर, मगर उनके नेता चोर नहीं होंगे? कल को अगर वो सरकार बदल जाती है तो क्या वो उनके नेता जेल में नहीं जाएंगे? मुझे इस बात का सबूत चाहिए। सवाल ये है कि जो भी बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के दल के साथ शामिल हो जाते हैं एनडीए में, वो सभी लोग साफ सुथरे हो जाते हैं, धुले हो जाते हैं, दूध के गंगे जल के धुले हो जाते हैं, गंगे जल के धुले हो जाते हो। हाँ। अभी वो ज्योतिष सिंधिया इतना उनके पास पैसा जितना किसी नेता के पास नहीं होगा, बीजेपी में शामिल हो गया न तो उनके पास छापा पड़ता, कांग्रेस में उड़ता। तो अच्छा ये बताइए 2024 को कैसे देख रहे हैं, मोदी जी दोबारा से आएंगे? क्योंकि कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। देखिए पैसा तो सब कुछ आ सकता है, पैसे के दम पे सब कुछ खरीदा जाता है, कैसे खरीदा क्यों जाएगा, विश्वास नहीं है क्या? विश्वास क्या, आप अगर प्राइम मिनिस्टर को इतनी हिम्मत है तो वो कह दे जब भारत माता की सब जनता के नेता की कसम, हमारे को वोट नहीं देखो, देखो दूसरे पार्टी को वोट दो, हमारा नेता जेल में जाता है कि नहीं जाता है। हाँ। हमारा जेल में नेता जाता है कि नहीं जाता, तब जनता को पता लगेगा। हाँ। अभी जब तक सरकार में है तो दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं। हाँ। जब तक उनकी सरकार चल रही है, जिस दिन सरकार चेंज हो गए उनके नेता जेल में होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब सारे जो हो या ना हो वो तो जब ईडी मोदी जी कहते हैं भोपाल के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार बंद कर सकता है ना, तो दिल्ली में जितने भी पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले स्कूल के आगे क्यों नहीं सुरक्षा करवाते हैं? स्कूल के आगे रोज कांड होता है, कोई देखते हैं, देखने वाले जाते हैं। अमृतकाल चलता है कह रहे हैं,
अरे उनके कहने से तो वो तो भाई अमृत है ही, अभी मेहनत नहीं पसीना नहीं बहाना पड़ता ना, मेहनत करेगा पसीना बहेगा उस दिन देख ले। 2024 में बीजेपी की वापसी होगी? अब वो तो जनता के ऊपर है, देखो जनता क्या करती है, आज के जनता क्या होता है, साड़ी दे दो पौवा दे दो वहीं रुक जाते हैं। हमें तो भैया हमें मेहनत चाहिए, रोजगार चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से रोजगार मिले, मैं अपने बच्चे को पाल लूंगा, पढ़ा लूंगा। आज भी मैं अपनी लड़की विकलांग है, मैं अपनी पढ़ाता हूँ, दो दो लड़की है, बेटी है, मैं अपनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, लड़की को आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी ऐसी सत्ता ऐसे दलों को तोड़ तोड़ के अपने में मिला के 2024 में दोबारा? वो सब हो सकता है जी, कुछ भी नहीं है जी। देखो ऐसा मैं आपको ये भी कह दूंगा, ऐसा नहीं, आप चाहे जिस पार्टी से मीडिया से हो मुझे नहीं पता, मीडिया भी कम धुले नहीं होते हैं, वो उन्हीं को बोलेंगे, चाहे अच्छा है बुरा है उन्हीं को तारीफ करते। आपसे पूछना चाहूंगी क्या कहेंगे जिस तरीके से वॉशिंग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सब साफ सुथरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि राजनीति जो आ जाती है ना, अगर आप मेजोरिटी चाहते हैं उसके लिए मोदी जी ये सारा हिसाब किताब बना रहे हैं, रही बात काम करने की या नहीं करने की, तो 70 साल कांग्रेस रही तो 70 साल में अगर इतना काम किया तो काफ़ी तो नहीं किया, मगर ठीक है आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। रही बात मोदी जी की, मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के स्तर पे आके जो है ना कहानी थोड़ी गड़बड़ा जाती है, वहाँ उनका सिस्टम ये हो जाता है कि हाँ किसी तरीके मेरी मेजोरिटी बनी रहे, और उसी के चक्कर में ये आप महाराष्ट्र में देख लो या बाकी जगहों पे देख लो, थोड़ा सा ईडी और उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये नज़र आ रहा है सबको, नज़र आ रहा है, ये कहने की बात नहीं है, मेरे कहने से नहीं हो रहा, ये सबको नज़र आ रहा है। तो मोदी जी को क्या 2024 के अंदर अपनी सत्ता हिलने का डर लग रहा है, जो इस तरीके से दलों को तोड़कर अपने में शामिल कर रहे हैं? जी डर तो लग रहा है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि सामने उनके ओपोनेंट कोई भी नहीं है, कि जो एक अच्छा मजबूत पायदार पीएम हो वो तो है नहीं। हाँ 24 में ये है कि हो सकता है इनको कुछ अलायंस मिला के अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़े, वरना थोड़ा विपक्षी तो एक साथ हो रहे हैं। नहीं हो तो रहे हैं, मगर अब ये जैसे अब पवार साहब, अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम देखते थे कि बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी जो होते थे एक वक्त पे कहते थे मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने दल किसी के दल को तोड़कर अपने में मिलाऊं, या इससे दल बदल की राजनीति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ऐसी सत्ता को वो चिमटे से भी छूना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनका कहना था, ठीक है। तो आज जब उनकी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? उसमें एक बात है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरी थी 14 दिन की थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है क्या ज़्यादा मेरे को डाटा याद नहीं, उस वक्त या तो उन्हें समय नहीं मिला, या देखिए हर आदमी की कोशिश तो पहले ये होती है कि सत्ता में बने रहें। हाँ ठीक है उन्होंने उस वक्त फिर रिजाइन कर दिया, क्योंकि सत्ता से तो उन्हें साफ इनकार था, और जब आज उनकी पार्टी उनके मूल्यों पर नहीं खड़ी उतर रही तो क्या कहेंगे? नहीं मूल्य पर खड़ी नहीं उतर रही, उसका कारण यह है कि उनके सामने कोई और नहीं है, इसलिए जो वोटर है उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र के बाद और भी राज्यों के अंदर सत्ता हिलने वाली है, क्या लगता है? हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आगे ये आपका यूसीसी का जो बिल इन्होंने पास करवाना है राज्यसभा में, इनकी मेजोरिटी नहीं है। सवाल ये है कि अभी बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर जितने भी नेता दूसरी पार्टियों के होते हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर सब साफ सुथरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के जो दागी नेता थे जो इंजाम लगाए थे वो आज भी जेल में है, वो हकीकत में है। केजरीवाल के जो भी दागी नेता हैं जो भी हैं वो ईमानदारी से जेल में हैं। बीजेपी के इतने नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, वो आज भी खुले घूम रहे हैं, तो ये कौन देखेगा इस बात को? जैसे महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा, महाराष्ट्र में अभी देखा ना किस तरीके से सियासत में एकदम उथल पुथल हुई है, अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिन पर ईडी सीबीआई के रेड चल रही थी एक तरीके से, उनके कई विधायकों पर चल रही थी। बीजेपी पार्टी तोड़ने के विधायक खरीदने के चक्कर में रहती है, सरकार तोड़ने के चक्कर में रहती है, मगर जो मजबूत पार्टी है वो नहीं तोड़ पाती है, विधायक बिक जाते हैं, आजकल विधायक भी भरोसा नहीं है, बिक जाते हैं विधायक। 2024 को कैसे देख रहे हैं फिर, जब इस तरीके से दलों को तोड़ तोड़ कर अपने दल में मिलाने वाली राजनीति को बीजेपी की किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे बढ़िया कांग्रेस, सबसे बढ़िया कांग्रेस। क्यों कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे क्या? पीएम कांग्रेस का बनना चाहिए, बढ़िया, सबसे बढ़िया। राहुल गांधी को मिलावट में बने,
चाहे सबके समर्थन से बने, सबसे बढ़िया कांग्रेस का बनना चाहिए। अच्छा ये बताइए मोदी ये कह रहे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सभी लोग भ्रष्टाचार रहित हो जाते हैं, सब साफ सुथरे हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं ये तो कैसे होगा भैया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक वो बीजेपी में नहीं है या बीजेपी के दल में शामिल नहीं है तब तक उन पर ईडी सीबीआई चलती है, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। जी ऐसा तो नहीं हो सकता है, साफ सुथरे हो जाते अपने इसमें हो जाते, वो अपने बीजेपी नेता के घर पे बिल्डोजर चला हुआ देखा आपने? फिर यूपी में ऐसे ऐसे मजदूर आदमी चाहे किसी भी कास्ट का हो उसके रो रहे हैं, ठंड में रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, उसके घर गिरा दिए गए। बीजेपी नेता के कोई चला है तो बिल्डोजर नहीं चला ना, कितने भ्रष्टाचारी हैं। ब्रजभूषण को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितने लोग धरना दे रहे हैं, कितना क्या दे रहे हैं, कुछ हुआ था उसका? नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा मंत्री है इसलिए कुछ नहीं। हाँ मोदी जी के काल को सरकार में होता तो बंद हो गया होता, अब है बीजेपी की सरकार में तो कुछ होना नहीं देगा। बीजेपी वालों ने बचाया, बिल्कुल बचाने वाली बात ही है। आपसे पूछूंगी ये बताइए क्या लगता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर सारे नेता भ्रष्टाचार रहित हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं? मैडम जी मैं तो एक चीज जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार में आज कम से कम आप हमारे पास आके कुछ पूछ रहे हैं, हम कुछ आपसे बता रहे हैं। पीछे की जितनी सरकारें थी ना कोई पूछता था और ना कोई हमारे पास आता था। आज जो भी नेता बोल रहे हैं ये सब मोदी की देन है, जो सबको बोलने का जो आ रहा है, ठीक है। मोदी सरकार में कोई चीज़ गलत नहीं है, सब सही है। जो गलत करेगा उसके ऊपर ईडी भी आएगी, उसके ऊपर छापे भी पड़ेंगे। हाँ लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से उन्होंने एनसीपी के नेताओं को अपने में मिलाया, अजीत पवार को मिलाया, उनके ऊपर तो खुद आरोप लगे हुए भ्रष्टाचार के। ऐसा महाराष्ट्र में तो मैडम देखिए ना, जितने तो गलत लोग थे, जितने भी विपक्ष थे, वो सारे तो एक हो गए, सारे एक हो गए। अगर बीजेपी में एक आ गया तो कौन सा गलत हुआ? गलत नहीं हुआ ना, कुछ भी गलत नहीं। क्या कह रहे? कोई नहीं, रोड पे ये है, गरीब आदमी है, कोई सुनता है? कोई कोई नहीं सुनता है। कोई कैसा है क्या नहीं है, उसके बीच में क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही, कोई देख रहा है? कोई कोई नहीं देखता सर। केजरीवाल केजरीवाल जो हो रहा है, केजरीवाल से क्या जो है हालत जा करके डीटीसी वाले बस से पूछो, उनको जो डीटीसी के बस और कंडक्टर वाले भी गलत बोल रहे हैं। जो देखो सब फ्री 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 से देश चलेगा कोई? गुजरात में तो इन्होंने मुंह के बल खाया था फ्री के चक्कर में, वहाँ की लेडीज ने, वहाँ की जनता ने, सब ने बोला था कि हमको फ्री का सौगात नहीं चाहिए, हम तो मेहनत करके खाए हैं और मेहनत करके ही खाएंगे। तो भैया देखिए चर्चा तो इतनी ज्यादा गर्मा गई है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों का गुस्सा जो कहे या फिर राजनीतिक पार्टियों को लेकर उनके विचारों की बात करें तो वो थमने का नाम नहीं ले रहे। एक छोटी सी चर्चा की शुरुआत की थी यहाँ पर, वो लंबी खिंचती जा रही है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे कि वाकई लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर सारे नेता धुले धुलाए साफ सुथरे चंगे हो जाते, क्या कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।